हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारा नई वीडियो में। और तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप में कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे 9th और 10th क्लास में, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर आज आपके लिए बोर्ड पर आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि फेस वीडियो और मैं वैसे भी काफ़ी बार बता चुका हूँ तो वो आपको समझ में कम आता है, तो इसलिए मैंने ये बोर्ड चुना है। आज से मैं आपको जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा वो इस बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों, हमने यहाँ पर पहले ही सारे डॉक्यूमेंट हैं वो लिख लिए हैं, तो एक बार मैं इनको सारे समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करने होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा फर्स्ट है ये पासपोर्ट साइज फोटो। आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन करेंगे तो आपको ओनली एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना दोस्ती। और उस जब अपलोड करोगे और अपलोड करने की आपकी जो साइज है वो आपको 20 KB से कम करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसको 20 KB से कंप्यूटर से किस तरह से कम करेंगे, तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहां पर एडिट ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप 132x170 करके ऑटोमेटिक आपका स्कॉलरशिप के लिए साइज है वो बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और अब बात करते हैं हम, और आपको आधार कार्ड, यानी आपको एक आधार कार्ड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आजकल आधार कार्ड है दोस्तों हर चीज़ में एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। और आधार कार्ड दोस्तों आपके बैंक खाते से लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। और आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है हमारा बैंक पासबुक, ठीक है ना दोस्तों। ये है बैंक पासबुक, और बैंक पासबुक में आपको अपना आधार कार्ड जरूर लगवा लें, क्योंकि इस यूपी स्कॉलरशिप का पैसा जितना भी है दोस्तों DBT के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाता है। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में जो आधार कार्ड है नहीं लगा है, तो आपका जो पैसा है वो कहीं बीच में ही रुक जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ ही गई होगी। तो अगला है हमारा आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूँ, यूपी स्कॉलरशिप में जो निवास प्रमाण पत्र है ना दोस्तों, इसकी ओनली ऑनलाइन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओनली इसके डॉक्यूमेंट के साथ इसकी कॉपी जरूर जाती है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति जनरल से बिलोंग करते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता है वो नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आई गया होगा। पूरी डिटेल के साथ में आज इस वीडियो में आपको सब क्लियर कर दूंगा कि कितने डॉक्यूमेंट 9th और 10th क्लास में लगने वाले हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की। अगर आप 9th क्लास का यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते हैं, तो आपको 9th क्लास आपको अगर 9th के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ओनली 8th क्लास का रिजल्ट है वो ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों आप 10th क्लास के लिए अगर अपना जो स्कॉलरशिप है ऑनलाइन करेंगे, तो आपको दोस्तों मैं बता दूँ, आपको 9th क्लास का रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों, स्कॉलरशिप आने के ज़्यादातर क्या चांस रहते हैं कि आपके रिजल्ट में आपको 50% से मार्क्स ऊपर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 50% मार्क्स होना चाहिए आपके रिजल्ट में, तो सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप है आने की ज़्यादा चांस रहती है। तो दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट हैं वो आपके स्कॉलरशिप में 9th और 10th क्लास के में लगने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी जो आय और जाति इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किस तरह से निकालते हैं, और उसकी वेरिफिकेशन भी लगेंगी तीनों की, और कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इनके तीनों के वेरिफिकेशन है वो लग के जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में सारी जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ बस आज की वीडियो यहीं तक हम खत्म करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।